गाइस वेलकम अगेन, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और फिर से स्वागत करती हूं भाई आपका अपने चैनल में। और दोस्तों आज ना बात करने वाली हूं आपसे, छोटे बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उन्हें कैसे समझाएं। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा सुन लिया ना तो मैं गारंटी ले रही हूं कि आप उन बच्चों की परवरिश में चार चांद लगा सकते हो। देखिए एक चीज तो आप दिमाग में रख लीजिए कि उन बच्चों को पूरे तरीके से कंट्रोल करना तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले कोई गैजेट नहीं है जिन्हें आप अपने हिसाब से अपनी डायरेक्शंस में मोड़ सकते हैं। और अगर आप ऐसा करने की सोच भी रहे तो ये बिल्कुल निराधार गलत है। तो फिर मैम कैसे करें, मतलब बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने के लिए बैठते नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो एक बात सिर्फ आपको पहले सवाल में यही है, अपने मन से पूछिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने पसंद नहीं है। आंसर क्या मिला? जो बोरिंग होते हैं, जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो जरा से बच्चे जिन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज हमारे लिए हेल्पफुल है कौन सी चीज नहीं है, और आप कितना भी उन्हें समझा लीजिए उन्हें पता भी नहीं चलने वाला कि पढ़ाई उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीजों को अगर आप उनसे करवाना चाहते हैं और आपका बच्चा नहीं करता तो उसे इंटरेस्टिंग बनाइए। उस रिजिड फॉर्मेट में, उस पुराने दकियानूसी जो स्टाइल चला आ रहा है टीचिंग लर्निंग का, उस ट्रैक को चेंज करिए। बहुत सारे ऐसे टीचिंग आयाम मैं भी अपने चैनल पे आप लोग के साथ हर रोज शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। तो जितना हो सके अपने पढ़ाने के तरीके में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लेके आइए। अब उसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप अपने बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ाना चाहते हैं, जो वाकई में कितना कंफ्यूजिंग होता है ना कि बच्चों को पता ही नहीं है कि असेंडिंग क्या डिसेंडिंग क्या। आपको उसे समझ में भी आ गया बट वो नहीं समझ पा रहा है कि असेंडिंग में हमें बड़े से छोटा लगाना है छोटे से बड़ा, स्टिल कंफ्यूजन, क्योंकि आपने उसे सीधा कॉपी में असेंडिंग डिसेंडिंग न्यूमेरिकल्स चलो करो बैठ के। फिर कहते हैं बच्चा नहीं कर पाए, तो स्टार्टिंग कैसे करें? फिर आप स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से करिए, ऐसी लिविंग चीजों से करिए जो बच्चे ने देखी है, जिन्हें बच्चा समझता है। आपके घर में कटोरी है, उसके टॉयज हैं, और पहले सिर्फ असेंडिंग बताइए। अगर आपने उसे असेंडिंग समझा दिया तो डिसेंडिंग वो खुद सीख लेगा। सिर्फ उसे असेंडिंग का मतलब अगर पता चल गया तो डिसेंडिंग का वो मतलब खुद पता कर लेगा। ये फॉर्मेट एक एग्जाम्पल है जिसे आप हर चीज में अप्लाई करके देखिए। अगर आप ह्यूमन स्ट्रक्चर को बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या खुद पढ़ना चाहते हैं, बायो के स्टूडेंट सब चीजें याद कर लोगे, जबकि बॉडी तो आपकी है ना, क्यों नहीं याद कर पाते हो? क्योंकि अंदर से बॉडी को नहीं जानते, आपने सब चीजों को खोल खोल के नहीं देखा। एक बार किसी को काट के एक एक पार्ट को निकाल के करके देखो, फिर देखो कितने अच्छे से समझ में आती है कि हाँ मैम क्या बात कर रही हो, मतलब बच्चे को बॉडी पार्ट्स और ये सब पढ़ाने के लिए कि काट काट के देने होंगे उसके इंटरनल ऑर्गन्स? नहीं जी, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आजकल डिजिटल दुनिया है उसका लाभ उठा सकते हो। ऐसी चीजें जिसे लाइव आप प्रटेंड नहीं कर सकते बच्चे के सामने, उसके लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना। वो चीजें आपकी टीचिंग को और टीचिंग एड्स में हेल्प करेंगी और बच्चे के उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। तो पहला सुझाव शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी टीचिंग स्टाइल को क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेस्टिंग बनाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भैया आप बच्चे की भी सुन लो। अगर उसका इस टाइम पढ़ने का मन नहीं है, वो कह रहा है मुझे नहीं पढ़ना, नहीं कूट के छेद के पीट के गला दबा के रुला के, पर तुझे पढ़ना तो पड़ेगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ाई के नाम से उस बच्चे को इतनी नफरत होनी शुरू हो जाती है, अब क्या करें मैम? वो तो यही कह देता है, हर टाइम कह देता है कि नहीं मुझे तो नहीं पढ़ना। नहीं, हर टाइम नहीं कहता बच्चा, आप उसे ये कहते हैं चल पढ़ ले। आप उसे ये ना बोलें, आप उससे बोलें बेटा अभी आप कार्टून देख रहे हो, ये बताओ पढ़ाई कितनी देर में करोगे, कितनी देर और टीवी चलाओगे? इतनी आप उससे क्वेश्चंस करिए जिसके आंसर वो देगा कि मम्मा थोड़ी देर और, थोड़ी देर बताओ। अगर आपके बच्चे को थोड़ी देर का कुछ नहीं पता, 100 मिनट 10 मिनट घड़ी का टाइम देखना ही नहीं आता, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने हिसाब से अपने 100 मिनट जो है 5 to 10 मिनट्स बाद पूरे कर लीजिए। बेटा हो गए आपके 100 मिनट, चलिए आप अपना प्रॉमिस पूरा करिए, आप अपना एक होमवर्क करिए, उसके बाद कुछ हम मजे करेंगे, फिर हम आगे की चीजें करेंगे। या फिर मैंने आपके लिए एक खेल जो है वो कॉपी में प्लान करके रखा है, अभी हम उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बाद में हम ये वाला काम करेंगे। उससे सवाल करिए, उसकी राय लीजिए चीजों में, तब वो आपके साथ
कम्युनिकेट कर पाएगा। अपनी अपने डिसीजंस, अपने टाइम, आपको टाइम अभी है इसलिए मैं अभी पढ़ाऊंगी। तेरा पढ़ने का मन है नहीं है, तुझे पढ़ना है, तुझे खेलना है, तुझे जो करना है वो मुझे नहीं सुनना, मैंने मुझे अभी टाइम है इसलिए मैं अभी कराऊंगी। समझ आई आपको बात? तो ये सेकेंड सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर हमारे घर का माहौल। जी हाँ, हमारे घर में कोई भी छोटा बड़े की सुनता ही नहीं है, तो फिर हमारा बच्चा कैसे भाई अपने बड़ों की सुन लेगा? हर चीज पे आर्ग्यू करने का माहौल है, तो फिर हमारा बच्चा कैसे आर्ग्यू ना करेगा? हर बड़े की बात को काटने का माहौल है, तो वो भला जब आप कहते हो ये मत करो, ऐसे पढ़ने बैठ जाओ, तो उस काम को कैसे कर लेगा भैया, उसके खून में रम गई है वो बात। तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर काम करिए, इन स्किल्स के ऊपर ओवरकम करिए। अगर इस तरीके का थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल है तो उसे अपने बच्चे के लिए ही सही ठंडा करने की कोशिश करिए, जिससे आपके बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, बड़ों के लिए इज्जत प्लस एक सभ्यशील व्यवहार जिसे कहते हैं हम लोग, वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर उसका मन नहीं भी कर रहा है पढ़ने का, उसको कुछ चीज़ मन में हो रही है कि नहीं नहीं नहीं, पर वो आपसे नहीं बोलेगा उस टाइम पर, उसे लगेगा कि ये चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए, वो उसको काम को करने के लिए बैठ जाएगा। चौथी सबसे जरूरी चीज, जब आप उसे कह रहे हो कि पढ़ मेरे साथ बैठ के, मैं यहां बैठ के तेरे साथ पढ़ रही हूं, तो थोड़ा टाइम ये भी कहिए कि बेटा चल खेल मेरे साथ, मैं तेरे साथ खेलने के लिए भी बैठूंगी। इट मींस आप जब उसे उस चीज के लिए फोर्स कर सकते हो, उस चीज के लिए टाइम निकाल के वहां पर उसे डांट डपट के बिठा रहे हो, तो सेम क्वालिटी टाइम भी थोड़ा सा स्पेंड करिए, जिससे बच्चे का माइंड जो है वो एक पॉजिटिव हार्मोन जनरेट करता है, अपने पेरेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग फील करता है और आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ हम लोग खेले, हमें इतना मजा आया, हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, हमें टाइम स्पेंड करना साथ में पसंद आता है, एक दूसरे की बात हम सुनते हैं, अब अगर हम पढ़ाई साथ में करेंगे तो वहां पर भी हम लोग खेलेंगे और हमें मजा आएगा। एक टाइम टेबल बनाइए पढ़ने का। अभी तो बोलेंगे कि आपने बोला कि आप अपने टाइम से, आप अपने टाइम से नहीं, आप बच्चे से पूछकर उसके हिसाब से टाइम टेबल सेट करें कि अच्छा बच्चे बताओ, हमें काम तो देखो करना ही है बेटा, जो भी हमें स्कूल से होमवर्क मिल रहा है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मम्मा वो काम नहीं कर सकती, पापा वो काम नहीं कर सकते, वो आपका काम है, आप ही को करना होगा, किसी भी स्थिति में करिए। आप लेट करोगे, रात को करोगे, परेशान होगे, तो ऐसा करते हैं कि हम आपके बच्चे का जो भी नाम है, जैसे मैं अपने बेटे का नाम ले रही हूँ निश्चय, कि निश्चय जो टाइम बताएगा हम सिर्फ उसी टाइम पे पढ़ने बैठेंगे, उससे पहले उससे बाद में निश्चय को कोई परेशान नहीं करेगा घर में, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। समझ में आ गई? इतने कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी प्रायोरिटी अगर मिल जाएगी, मतलब बता देगा वो, उसे टाइम देखना मैंने क्या बोला नहीं भी आता तब भी बता देगा मैम मम्मा उस टाइम पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बेटा प्रॉमिस, ओके यहां लिख के दो मुझे, साइन करके दो मुझे, अच्छा कि आप इस टाइम पे पढ़ोगे, निकला नहीं आता आप लिख दीजिए उससे ऐसे एंड वेंडे साइन करवा लीजिए। इट मींस आपने उसकी बात को ऑथराइज करके उसे दे दिया, या देखो आप मुझे खुद आ जाना मेरे पास जब आपका टाइम हो जाए, उसे समझा दीजिए कि इस टाइम पर आपका टाइम हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए इन चीजों के ऊपर, इन स्किल्स के ऊपर। मैं नहीं कह रही हूं कि सब कुछ एकदम स्मूथली हो जाएगा, हर दिन नए आयाम, नई टैक्टिक्स आपको अपने बच्चे के साथ आजमानी होती है, बट ये बिहेवियरल चेंजेस अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप अपने बच्चे की अपनी बॉन्डिंग में ट्रेमेंडस चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप उसके साथ कर रहे हैं, जो उसे सीखने सिखाने की चीजें घर में परिवार के माहौल में आप दे रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की वीडियो में तो इतना ज्ञान मुझे लग रहा है काफी होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा एज ए पेरेंट्स भी एज ए टीचर्स भी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो करना क्या है आपको, वीडियो को लाइक करके जाना है भाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब पे अकेली टीचिंग कम्युनिटी का चैनल है ये और बिल्कुल फ्री है यार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना, इतना टाइम दिया, इतना सपोर्ट, इतना प्यार करते हो, उन सब बातों के लिए ना तहे दिल से धन्यवाद।